जूपू आ गई है, जूपू आ गई है। क्यों नहीं नहाना? हाँ गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। चलो तो नहला दे फटाफट। सर गंदा कर लिए हो ना आप? सर गंदा कर लिए हो? ये देखो, चलो 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 इसका खोल दो, इसका खोल दो बेटा जी। यश 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 खोलना यार। अरे वाह बेटा, छत पे आए हो? छत पे आए हो आप? छत पे आए हो? ओले 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 ओले। छत पे आए हो छोना बेटा? आज नहाना है, कितने दिन बाद आज बेटा जी को नहाना है ना, है ना? आज नहाना है बेटा जी को मिले। बहुत गंदे हो गए हो आप। अच्छा ना बेटा, आज नहा के सोना। देखिए अक्सर बच्चों के जो है ना मालिश होता है, सर पे ऑयल रखाता है, तो यहाँ पे जो है डस्ट ज़्यादा जमा हो जाता है। तो मैं सबसे पहले बेबी का सर वॉश करती हूँ, क्योंकि देखिए सारे बेबी का जो है अलग अलग सीन रहता है। कुछ बच्चे लोग पहले बॉडी से नहा लेते हैं, सर पे नहलाने से रोने लगते हैं। और जो बेबी है सर से पहले नहा लेता है, जब बॉडी पे पानी जाता है तो ये रोना स्टार्ट कर देता है। इसलिए सबसे पहले मैं बेबी का जो है डस्ट रिमूव कर देती हूँ ऊपर से, उसके बाद जो है मैं बॉडी पे मतलब पानी वानी डाल के अच्छे से नहलाती हूँ। तो देखिए बाबू चुप है मेरा, और अच्छे से पहले ये अपना सर धुलवा ले रहा है, उसके बाद आगे की पूरी बॉडी धोऊंगी मैं। इसके बाद इसको अच्छे से नहलाऊंगी। और बच्चे को नहलाते टाइम ना गाइस देखिए, जैसे यहाँ पे मसल्स है ये मुड़ा हुआ है, नेक है, ये पैर है, इन सबको जो है ना डस्ट रिमूव करना बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ पे जो है ना डस्ट जमा हो जाते हैं अक्सर, अगर वो सब रहते हैं इसके अंदर तो बेबी जो है मतलब अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और जो है उनको फिर प्रॉब्लम होती है, तो बेबी का हेल्थ वगैरह जो है अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। इसलिए जो नहाते टाइम ना सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और एक चीज़ का खासकर आप लोग ध्यान रखना कि जब बेबी को नहलाए तो बेबी से बात करते रहना है। मम्मा और बेबी का जो है बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा रहता है इससे, और बेबी जो है मम्मी की सारी बातें सुनता भी है, और उसे लगता भी है कि हाँ मम्मा पास में है तो वो जल्दी रोता भी नहीं है। तो इसलिए जो है गाइस इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, और नहलाने से पहले बेबी को फीड जरूर करा लें ताकि बेबी जो है रोए नहीं। तो बस इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और काफ़ी हल्के हाथों से बेबी को नहलाना है। और ठंड का टाइम है तो गाइस पानी का टेम्परेचर जो है एकदम नॉर्मल होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है बेबी बहुत ज़्यादा रोएंगे और आप नहला भी नहीं पाएंगे और अनकम्फर्टेबल रहेंगे आप भी। अरे वाह बेटा जी के मुंह पे पानी चले गया, अशोना बेटा के मुंह पे पानी चले गया है। और अक्सर लोग गाइस बाथटब में भी नहलाते हैं, बट मैं कंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि जो है बेबी बहुत छोटा है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो मैं इसको डायरेक्टली किसी भी चीज़ पे लिटा के नहलाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होती हूँ। अपने पर डिपेंड होता है गाइस। मेरा न्यूबॉर्न बेबी है, काफ़ी ज़्यादा अभी छोटा है और ठंड का टाइम है, तो बेबी को जो है मम्मा से टेम्परेचर भी मिलता रहेगा बॉडी का, और उसको वो कंफर्टेबल भी रहेगा कि वो मम्मा का गोद में है। इसलिए जो है मैं बेबी को अक्सर गोद में लेकर ही नहलाती हूँ, इससे बेबी रोता भी कम है और जो है अच्छे से नहा भी लेता है। और मेरा बेबी कितने अच्छे से अपना हैंड वो सर धुलवा रहा है। अभी सारा डस्ट जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। काफ़ी हल्के हाथ से करना होता है गाइस यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे आप लोगों को पता है तारू होता है बच्चे का, तो उसमें जो है कुछ मतलब चोट वगैरह नहीं लगना चाहिए, उस पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए काफ़ी हल्के हाथों से जो है बेबी को यहाँ पर वॉश करना होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में एक यही एक एरिया है जहाँ पर बेबी का डस्ट जमा हो सकता है, और हम लोग जो है इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, नहलाते टाइम ही हम लोग वॉश कर सकते हैं। और बेबी को गाइस जब न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको जो है वीकली नहलाना स्टार्ट कर दीजिए, डेली नहीं बोलूँगी, वीकली नहलाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे जो है बेबी की आदत बन जाएगी आगे टाइम पे, वरना बेबी जो है पानी की जब इसके ऊपर पानी डालेंगे तो रोने लगेगा बेबी, तो बेबी का आदत बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा 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 करके बाबू को नहलाना बहुत ज़रूरी है। देखिए बस मेरा बेबी अपने बाथ एंजॉय कर रहा है ना। हाँ बोल दो, हाँ बोल दो बेटा जी, सब लोग वेट कर रहे हैं आपका। ओले ओले ओले, अभी तो निंदिया खोल रही है बेटा की।
बेटा जी अब मम्मा का सोना बेटा, अब मम्मा का राजा बेटा, अब मम्मा का सोना बेटा है, अब मम्मा का सोना बेटा है, मम्मा का सोना बेटा है ये। देखो गाइस, मैंने अपने बेबी का सर धो लिया है और जैसे बॉडी पे पानी गया मेरा बेबी रोना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैं सबसे पहले अपने बेबी का सर धोती हूँ और अब जल्दी जल्दी बॉडी वॉश करना है। हाँ बेटा जी, आपको 2 मिनट में बस हटा दे रहे हैं, 2 मिनट में हटा दे रहे हैं। बेबी का पार्ट भी गाइस काफी अच्छे से वॉश करना होता है। ओ ये नहीं कि पर्सनल पार्ट है तो उसको छोड़ दें। सोना बेटा जी, देखो देखो अब पानी गिर रहा है, देखो जी पानी गिर रहा है राजा बेटा पे, पानी गिर रहा है मेरे राजा बेटा पे पानी गिर रहा है। ओ सोना बेटा, ठंडी नहीं लगेगी राजा बेटा को, मेरे राजा बेटे को ठंडी नहीं लगेगी। अम्मा से नहलवा रही हैं, अम्मा से नहलवा रही हैं। नहा लिया मेरा बिट्टू, मेरा बिट्टू नहा लिया, नहा